तो गाइस मैं आप लोगों को आज एक शानदार वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा, मतलब बहुत ही अच्छा एडिट। तो देखना मैं वो कैसे मर्ज करता हूँ एकदम, मतलब बैकग्राउंड को चेंज करूंगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसको बैकग्राउंड चेंज किया एकदम रियलिस्टिक टाइप सा। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। तो पहले मैं अपने कैरेक्टर को ले आता हूँ, देख लो ये है वो करेक्टर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें बैकग्राउंड को चेंज करूँगा, मतलब बैकग्राउंड को मैं पहले से क्रॉप करके रखा हुआ। अगर आप लोग बैकग्राउंड क्रॉप करना नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लो कि बैकग्राउंड कैसे यूज़ करता है। ठीक है, तभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं जो बैकग्राउंड में फिट करूँगा वो वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये है मेरा वो बैकग्राउंड जिसको मैं यहाँ पर एडिट करने वाला हूँ। तो देखो अब लोग, तो ये जो बैकग्राउंड है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सके और अपना एक खुद का एडिट बना सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, और अपना एक एडिट बनाओ और सीख जाओ अच्छे से एडिट करना। तो अब देख सकते हो अभी मैं इसको ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, ऐसे तो अभी देखो यहाँ पर मतलब पता चल रहा है कि बैकग्राउंड को मैंने दूसरी जगह से मर्ज किया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे हम, तो पहले उस वो वाला चीज़ देखते हैं। तो देखो आप लोग अभी ऐसे जाएंगे, तो ये जो ब्रश है इसको पहले इतना इतना करके रखेंगे। अभी मैं क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ब्रश का साइज को थोड़ा सा कम रखे, ऐसे जाके इसको थोड़ा थोड़ा सा इरेज करें। ठीक है, ऐसे करके देख लो, थोड़ा थोड़ा सा इरेज करना, ताकि मतलब ये जो बैकग्राउंड है इसके सर्च अच्छे से मर्ज हो जाए। ठीक है, देख लो, देख सकते हो आप मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। तो अभी वैसा ही कर सकते हो एकदम, और नहीं तो पूरा बैकग्राउंड को इरेज कर देना और यहाँ पर अनलॉक कर फिक्स कर देना। तो मैं पूरा बैकग्राउंड इसलिए इरेज नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे ही अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे करने से क्या अच्छा रहेगा। मतलब देखो ये जो ग्रैस है थोड़ा थोड़ा पैंट में भी आ रहा है इसका, तो इसको मुझे इरेज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तो ऐसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी बिल्कुल ऐसा ही करना, तो आप लोगों का एडिट एकदम फाड़ हो जाएगा, फाड़ू फाड़ू मतलब एकदम फाड़ू। तो अभी देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, तो एकदम फाड़ू हो जाएगा। तो अभी मैं देखो इसको कर दिया नॉर्मली, और अब हम करेंगे क्या, बैकग्राउंड को ब्लर देंगे थोड़ा सा। तो देखो कितना मैं ब्लर देता हूँ, तो देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ब्लर को, तो इतना करीब 7% रखना ब्लर को तो अच्छा लगेगा। तो अभी देखो इधर से, अरे भाई गलती से मैंने दूसरे लेयर पे इरेज करना स्टार्ट कर दिया था, दाग सा दिख रहा है, मतलब लाइन सा आ रहा है, तो उसको हम लोगों को इरेज करना है। तो देख सकते हो आप ऐसे ऐसे टैप करते जाना, जस्ट टैप 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 करते जाना और आप लोगों को इरेज होता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है भाई, जस्ट टैप टैप करते रहो। तो देखो अभी ये इतना तो हो गया हमारा काम, और ये जो ग्रास है ये तो ऐसा ही रहने देंगे हम। अभी इस यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, एम्प्टी लेयर। तो ये जो येलो टाइप से ग्रास है इसको कैसे हम ठीक करेंगे, मतलब पीछे के बैकग्राउंड से मैच करेंगे। तो अब जो ग्रीन कलर है, तो आप चाहे तो यहाँ से जाके ग्रीन कलर को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं, और मैं ये डीप ग्रीन वाला ले लिया। अभी क्या करेंगे हम इसमें ऐसे ब्रश को चलाएंगे, देख सकते हो आप मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही चलाना ब्रश को अपना, तो शर्ट में मत ले जाओ। तो मेरा शर्ट में थोड़ा सा हो गया, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो आप शर्ट में बिल्कुल भी मत ले जाओ, तो देख सकते हो मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। तभी क्या करेंगे इसको ब्लर देंगे, पूरा ब्लर कर देंगे। तो देखो पूरा ग्रीन टाइप सा हो गया। अभी क्या करेंगे हम इसको यहाँ से जाके क्या करेंगे, ओवरले पे सेट कर देंगे। ओवरले पे सेट करने से क्या होगा, देखो ग्रीन का कलर थोड़ा सा उस टाइप सा हो गया। तो अभी यहाँ से और कुछ नहीं करेंगे, और मैं अभी दिखाता हूँ मैं कैसे इसको पूरा एकदम येलो टाइप से बनाया था। तो देखो मैं इसको कैसे बनाया था, तो कुछ काम बाकी है, जो फेदर का PNG है हम उसको लगाएंगे। तो पहले ये सब लेयर को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक PNG लाना है मुझे, तो मैं PNG को ले आता हूँ सिंपली। तो जी किधर है, तो PNG को मैं ले आता हूँ अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं PNG को लेकर आ गया है यहाँ पर, तो मुझे PNG ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाया कि मैं PNG को कैसे यहाँ पर लाया। तो आप देख सकते हो मैं अभी इसको ऐड कर रहा हूँ PNG को एक एक जगह करके, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही ऐड करना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो दूसरी जगह पर, मतलब आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, मतलब अपने मुताबिक, उसमें कोई बात नहीं। तो इधर भी लगा सकते हो, तो मैं लगा रहा हूँ अपने साथ, इधर भी तो आप भी अपने साथ लगा सकते हो। तो देखो मैं इसको ऐसे करके लगा रहा हूँ इधर उधर, ठीक है, तो आप भी इधर उधर करके लगा देना, तो आप लोगों को पिक्चर अच्छा हो जाएगा एकदम बढ़िया से। तो देखो अभी इसको भी हम मर्ज करेंगे, मर्ज डाउन करेंगे, तो अभी इसको डुप्लीकेट करेंगे और इधर उधर से लगा देंगे। तो मैं जल्दी आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा और भी। तो देख लो आप इसको हटा देंगे, तो अभी क्या करेंगे, मतलब इसको गलत चला लगा दिया। तो अभी देखो यहाँ पर इसको ऐसे लेके आप ऐसे लगा सकते हो, तो मैं जस्ट इसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे लगा सकते हो, तो आप लगा दो। और
या पर अभी कलर करने की बारी है, तो हम जाएंगे अभी लाइटरूम एप्लीकेशन में और करेंगे इसको कलर। तो देखो मैं कैसे इसको कलर करता हूँ, तो पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं लाइटरूम में पिक्चर को लेके आ गया। अभी हम करेंगे इसको कलर, तो देखते हैं हम इसको कलर कर सकते हैं करते हैं मतलब, और आप भी बिल्कुल वैसा ही करना। तो इसको आप कलर कर सकते हो। मैं पहले जो वीडियो दिया था ना, तो वो वीडियो का जब जो मतलब प्रीसेट दिया था उस वीडियो का, तो वो प्रीसेट यहाँ पर अप्लाई करने से भी वो ये वाला कलर आ जाएगा। तो आप चाहे तो वो वाला प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, तो वो आपका मर्जी है। आप अगर मेरे दूसरे वीडियो को मतलब देखे हो पहले, तो उस वीडियो से आप लोगों को प्रीसेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी प्रीसेट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रीसेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इस प्रीसेट नहीं दे रहा हूँ। सिंपली मैं देख रहा हूँ, देख लो आप लोग मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही करना, तो आप लोगों का भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखो कलर एकदम हो गया। मैंने जैसे जैसे आप लोगों को दिखाया था बिल्कुल वैसा कलर टोन एकदम मैं लेकर आ गया। देख सकते हो आप थंबनेल में जैसा था और अभी मैंने जैसा पोस्ट किया, तो वो वाला कलर एकदम आ गया। आप लोग देख सकते हो यही था, बिल्कुल ऐसा ही कलर था। तो देख सकते हो आप लोग मैं कलर को पूरा एकदम कर दिया अभी। तो अभी करेंगे यहाँ से जाके क्लियरिटी को थोड़ा सा मतलब कम रखेंगे, और प्रिंटेड को थोड़ा सा देंगे, और यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो और अभी करेंगे यहाँ से जाके शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और डिटेल्स को फुल करेंगे, मास्किंग को फुल करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा के डिटेल्स को फुल करेंगे, और कलर्स को थोड़ा सा फुल। तो अभी देख लो मेरा एडिट कंप्लीट, तो एकदम मस्त लग रहा है ये वाला एडिट। तो अभी देख सकते हो कितना अच्छा बना ये एडिट, एकदम स्मूथ और सिंपल सा, मतलब कि एकदम सिंपल टाइप से बैकग्राउंड चेंज, और बैकग्राउंड को चेंज किया आप लोगों को तो पता भी नहीं चला कि बैकग्राउंड मैंने इसको चेंज किया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।